इसमें धान हमारी ग्रोथ की अंतिम अवस्था में है। यह एक ऐसी अवस्था होती है इसमें रोगों का आदान प्रदान फसलों पर बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसान भाइयों, इसमें आप देख पा रहे हैं इसकी जड़ें हल्की भूरी हो गई हैं और पौधा देख रहे हैं आप लगभग पूरी तरह मर चुका है। अक्सर इस तरह की बीमारी हमारे धान की फसलों में कैल्शियम की कमी के कारण होती है। और हमारा खेत जब पूरी तरह उपजाऊ नहीं होता है तो भी इस तरह की समस्या आती है। इसके लिए सबसे पहला निदान क्या है किसान भाइयों, जब भी आप फसल को बोएं या धान को रोपाई करें तो अंतिम जुताई के समय आप इसमें फंगिसाइड का प्रयोग जरूर करें, जो पाउडर फॉर्म में आता है, या आप ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं, वो भी एक जैविक फंगिसाइड है, बहुत अच्छा काम करता है। 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप मिट्टी में मिलाकर 1 एकड़ में इसको अंतिम जुताई के समय फैला दें तो आपको इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो एक सीमित अवस्था में होगी जिसे आप जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। या आप शुरुआती अवस्था में इसको देख लेते हैं, जैसे कि हमने अपने खेतों में देख लिया कि 2-4 पौधे इस तरह हो रहे हैं, तो हमने सुरक्षा की दृष्टि से इस पौधों को उखाड़ कर अलग कर दिए और 1-2 दिन में हम इसमें अपने खेतों पर कैल्शियम एडीटी 12% और फंगिसाइड का मिक्स करके इसमें स्प्रे कराएंगे। तो किसान भाइयों, आप क्या कर सकते हैं, ये अक्सर कैल्शियम की कमी के कारण होता है, तो इसमें हम कैल्शियम एडीटी 12% आता है उसको आप 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में, और क्या नाम, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से फंगिसाइड को मिलाकर आप इसको स्प्रे करा दें। अगर आपके पास समय है तो 8-8 दिन के अंतराल पर 2 स्प्रे करा दें, नहीं तो 1 ही स्प्रे आपका पर्याप्त है। और कोशिश ये करें किसान भाइयों, यदि आपके खेत में पानी रुका हुआ है तो उसको सूखने दें और यूरिया की मात्रा बिल्कुल बंद कर दें, यूरिया बिल्कुल भी न डालें। जब भी कोई आपके खेतों में किसी प्रकार का कोई रोग आए तो आप यूरिया का छिड़काव बंद कर दें तत्काल। यदि आप यूरिया का छिड़काव करेंगे तो आपका रोग ये और घटने के बजाय और बढ़ने लगेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की एकदम अधिकता हो जाने के कारण खेत में कई तरह की बीमारियां और कीट आना आरंभ हो जाते हैं। इसलिए लिए कहा गया है किसान भाइयों, यूरिया का प्रयोग हमेशा संतुलित मात्रा में ही करें। यूरिया का प्रयोग 45 दिन बाद दिखता है। शुरू में ये फसल को बहुत अच्छी तरह ग्रोथ करता है, एकदम फसल को काला कर देता है, लेकिन अंतिम ग्रोथ अवस्था में हमें कई सारी ज़्यादा यूरिया की वजह से इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसमें आप रासायनिक या देसी विधि कोई भी विधि अपना सकते हैं। कोशिश ये करें आपकी यदि 1 एकड़ खेत में आपने 5-10 पौधे हैं, उन पौधों को पूरे जड़ से उखाड़ कर खेत से अलग कर दें, कहीं मिट्टी में गाड़ दें, जिससे यह रोग दूसरे खेतों में जल्दी ना पहुंच पाए। और आप इस रोग को ख़त्म करने के लिए आप 24 घंटे के अंतराल में या दूसरे तीसरे दिन तत्काल बताइए मात्रा आप इसमें स्प्रे कर दें तो आपकी फसल पूरी तरह सुरक्षित रहेगी, क्योंकि इस तरह की समस्या यदि काफ़ी लंबे एरिया में हो जाएगी तो किसान भाइयों का काफ़ी नुकसान हो जाता है। इससे धान पूरी तरह नष्ट हो जाती है और उसमें बालियां भी नहीं निकलती हैं, जिससे हमारे किसानों को घाटा का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, यदि हम किसी बीमारी को समय रहते पकड़ लेते हैं और उसका तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं तो यह हमारी फसल को नुकसान होने से बचाता है और इससे हमारा समय भी बचता है और हम अपनी फसल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से प्राप्त कर पाते हैं।